अपन बहिन हती तो बहिन के माया से हम एमे पार चली गए मोरे रे दुल बाप रे रे दुल बहिन के माया से हम पार चली गए मार दी रे ओ फूलन देवी से कहला कथी आ शिव जी मुखिया जे बेटा वाला से कोई गांव वाला के ना बोले दिया जे बोलते ओकरा 10,000 रुपया जुर्माना कर दिए। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र से बीते महीने प्रेम प्रसंग में फरार एक नाबालिग युवक की लाश पटना से बरामद हुआ है। शव मिलने के बाद परिजनों में चीख पुकार मची है। जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र से एक गाँव से फुआ भतीजा प्रेम प्रसंग में घर छोड़कर फरार हो गया था, जिसके बाद नाबालिग युवती के परिजन के द्वारा बरियारपुर थाना में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में बरियारपुर थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग युवती को मुजफ्फरपुर से बरामद कर लिया था। कोर्ट के आदेश के बाद युवती को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद युवती अपने घर से फिर फरार हो गई और अपने प्रेमी भतीजे के साथ पटना में रह रही थी। इसी बीच पटना में नाबालिग युवती के प्रेमी का डेड बॉडी बरामद हुआ, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। वहीं युवक के परिजनों ने युवती के परिजन पर अपने पुत्र की हत्या कर देने का आरोप लगाया है। कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद डेड बॉडी को युवक के परिजन अपने घर ले गए। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। इस बाबत बरियारपुर थाना प्रभारी चांदनी सावरिया ने बताया कि बीते दिनों थाना क्षेत्र के एक गाँव में प्रेम प्रसंग में एक फुआ और भतीजा फरार हो गया था। मामले में युवती के परिजनों के द्वारा अपहरण की प्राथमिकी की दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर से युवती को बरामद कर लिया, जिसके बाद युवती को 164 के बयान के लिए मुजफ्फरपुर के कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट के आदेश के बाद युवती को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। लेकिन एक बार फिर बीते दिनों युवती फरार हो गई थी और पटना में रह रही थी। इसी बीच शुक्रवार को युवक का पटना में डेड बॉडी बरामद हुआ है। कैसे मौत हुआ? इसको फसरी लगा दिया हम 5-6 आदमी जाके बिहटा में। परसों रात को बोला हम यहाँ आए तो ये बोला जे हम तुझको बेटा को मुंह नहीं देखने देंगे, पूत के भोग नहीं होने देंगे। यहाँ से गया, एक रात के बाद फोन आ गया वहाँ जैसे जो उसको मर्डर हो गया। आरोप शिवजी मुखिया है उसका घर के सारा, आ इधर विनोद मुखिया सभी का हुआ था। इसको जे लड़का लड़की के मैटर था, पहले लेके भागा था, उसको बाद दे दिया गया सब, और उसको बाद फिर 8-10 दिन पहले सब भाग गया, नंबर बंद। हमारा नाम मनोज मुखिया है। कौन हुआ जो मरा है? हमारा लड़का है बबलू कुमार। अपन बहिन हाथी तो बहिन के माया से हम एमे पार चली गए मोरे रे दुल बाप रे रे दुल बहिन के माया से हम पार चली गए मार दी। क्या मामला है? ये मामला ये प्रेम प्रसंग का है, जो तकरीबन 4 महीना पहले की कहानी है। लड़का लड़की दोनों अपने स्वेच्छा से भाग के बाहर चला गया था। बाहर जाने के बाद लड़की पक्ष के माध्यम से थाना पर लोग गया, थाना में शिकायत किया। उसके बाद लड़की वाले के तरफ समाज के लोग बैठे थे, समाज के लोगों ने लड़का वाले पर दबाव बनाए थे। दबाव बना के फिर लड़का वाले किए क्या कि लड़की को लाके DSP साहब के यहाँ हाजिर किए। हाजिर करने के बाद DSP साहब बरियारपुर थाना को बुला के और थाना में दे दिए थे। थाना वाले भी किए क्या कि कोर्ट में ले गए, कोर्ट में 64 का बयान कराए। 64 का बयान अपना स्वेच्छा से लड़की ने की और 64 के बयान के बाद थाना लाके लड़की वाले को लड़की हवाले कर दिए। कौन पंचायत का मामला है? जी ये बरियारपुर कांध पंचायत का मामला है, वार्ड नंबर 12 है, करघट्टी टोला बोला जाता है। जी मेरा नाम रंजीत राय, पूर्व मुखिया, अभी वर्तमान में हमारी मैडम गीता देवी जी मुखिया है। दे दल के गांव के दुश्मन, गांव के दुश्मन सब विपद दे दल के, गांव वाला ले का बेटी वाला के जाके लेके मार दे लक रे रजवा के, अधूरा पर से टांग के उठा के समाज ले गेल हो, हो चिल्ली ले का टांग के फोटो मोबाइल में है, फोटो वीडियो बना ले रे बाप, पूरा समाज टांग है यार बाप हमारा। ओ डर के मारे हम थाना चुरु लड़की दे देली इस विधवा लड़की दे दे भोजन खा दी है भोजन
मुजफ्फरपुर में पाए शानदार क्वालिटी के ईंट, वो भी सीधे चिमनी से आपके दरवाजे तक। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कम्प्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।